I want to clear this that this video is not sponsored by Dabur or any Dabur product. This is only for knowledge purpose. So please watch this, and if you find this useful, then please hit the bell icon, share this video and subscribe to my channel to get more interesting videos. Welcome to my channel. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के बारे में और इसकी एंटी बैक्टीरियल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके. फ्रेंड्स, तुलसी जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक कहा जाता है कि एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, और इसकी पत्तियों का यूज़ बहुत ही पुराने समय से यूज़ होता आ रहा है. तो फ्रेंड्स, अभी आजकल कोरोना वाला टाइम चल रहा है, कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमें ज़रूरत है एक अच्छी इम्यूनिटी की. इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पर काम करिए, उसको बढ़ाइए. तो फ्रेंड्स, मैंने ये मंगाया है डाबर का तुलसी ड्रॉप्स, जिसमें 5 टाइप की तुलसी होती है वो लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है. क्लिनिकल स्टडीज़ में पाया गया है कि तुलसी के हेपेटो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट को पैरासीटामोल के हेपेटो जो लिवर को जो नुकसान पहुंचाता है तो उसमें ये लड़ती है. तो फैटी लीवर या लिवर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें ये बहुत हेल्प करती है उस बीमारी को कम करने के लिए. दूसरा है सर्दी ज़ुकाम कफ कोल्ड कभी नहीं होगा अगर आप रोज़ाना तुलसी का इस्तेमाल करते हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जिससे कि जोड़ों की समस्याओं से भी आपको निजात मिल सकती है. डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सकती है. तो अगर आपको पाचन संबंधी प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास डाबर का तुलसी ड्रॉप जिसमें 5 प्रकार की तुलसी का यूज़ हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है, और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है. आपको एक गिलास ल्यूक वार्म वाटर में इसको 5 से 6 ड्रॉप इसको डालना है और पी लेना है. आप इसे दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं. वो कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना है और इसको फ्रीज नहीं करना है, आपको फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पर ही इसको आपको रखना है.